नमस्कार, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रूबरू में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, रूबरू के आज के कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको जिंदा शहीद के अवार्ड से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नवाजा था। दोस्तों, इन्होंने पंजाब में आतंकवाद मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन पर अब तक 14 बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन्होंने देश की सेवा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी थी। दोस्तों, भारत माँ की रक्षा के लिए परिवार को भी भुला दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एवं भारत के एकमात्र जिंदा शहीद MS बिट्टा जी के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। तो जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आए दिन भारत के सेना के जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसके पीछे कहां से गैप है जिससे इसका समाधान होना चाहिए? सवाल सबसे बड़ा ये है कि मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जवान जब अपने घर से निकलता है तो मौत का कफन बांध के निकलता है कि मैं अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करूं, मैं उसको कोई आँच ना आने दूं। जब जब पाकिस्तान की तरफ से ISI की तरफ से कोई भी शरारत होती है तो अपना जवान, भारत का महान सपूत, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होता है। अब शहीद क्यों होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत बड़ा सवाल है। जब पाकिस्तान की तरफ से शरारत होती है, दुश्मन की तरफ से, तो गोली का जवाब तो गोली तो देना ही पड़ेगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान की टेररिज्म के खिलाफ एक हैं, एक मंच पे हैं? अगर आज हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे टेररिज्म के ऊपर हों, टेररिज्म के ऊपर इसराइल की तरह एक पॉलिसी हो, तो आज शायद हमारे जवानों को शहादत का जाम ना पीना पड़े। आज हमारी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की कोई कमजोरियां ज़रूर हैं जिसके कारण पाकिस्तान को मौका मिलता है और हमारे देश पे हमला करता है और उसमें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको बल मिलता है। देश की राजनीति की जो दिशा और दशा है, अभी जिस दिशा में जा रही है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए और इसमें किस स्तर पर और कैसे बदलाव नहीं? अभी देखो, टेररिज्म के ऊपर कोई भी सरकारें आए जाएं, पर इस वक्त टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। टेररिज्म के ऊपर, बाकी मुझे नहीं पता, टेररिज्म के ऊपर पॉलिसी क्लियर है, गोली का जवाब गोली है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, ये तो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल क्लियर है और हम उस पॉलिसी से सहमत हैं। आए युवा वर्ग है, नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, तो उनको एक सही दिशा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ ये सिस्टम में कमी दिख रही है या सरकार में कमी दिख रही है कि वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं? सरकारों में कमी नहीं, मैंने बताया कि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कमी है कि वो वोट बैंक की तरफ, सत्ता की तरफ, कुर्सी की तरफ ध्यान ज्यादा है और इस तरफ ध्यान कम है कि हम युवाओं को एक नया रास्ता दें। हम वोट और सत्ता के पीछे हैं। जिस दिन पंजाब की तरह, जैसे पंजाब में आतंकवाद था, उसको ठीक करने के लिए कांग्रेस, BJP, CPM, CPI एक पार्टी खड़ी हुई और राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया और पंजाब को अमन शांति दिया। उनका कोई और मकसद नहीं था, कुर्सी सत्ता मकसद नहीं था, मकसद था कि राष्ट्र को मजबूत रखना और पंजाब में अमन शांति हुआ। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टियां सब मुद्दों को छोड़ करके टेररिज्म के ऊपर एक मंच पे इकट्ठी हो जाएंगी, युवा भी इस लाइन पे आ जाएगा, पाकिस्तान दुश्मन हमारा, वो भी घबरा जाएगा, हमारे जवानों की शहादतें भी नहीं होंगी, पर पॉलिटिकल पार्टियों को सबसे पहले एक मंच पे आना होगा। राम जानकी संस्थान नई दिल्ली में वंदे मातरम के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आपकी प्रेरणा से 20 राज्यों के पत्रकार कुछ अच्छा देश के हित में काम भी करते हैं, इसमें मुख्य धारा से युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, हमारी जो आप संस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी जो भावनाएं हैं पूरी राष्ट्र के लिए हैं, वंदे मातरम के लिए हैं, भारत माता को मजबूत करने के लिए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक मूवमेंट छोड़ी है और मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है।
मुन्ना जी के साथ, वो हमारे साथ नहीं जुड़े, हम उनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनका जो काम है बिल्कुल साफ और सुथरा है। हो सकता है काफले में लोग कम हो सकते हैं, देरी हो सकती है, पर काम साफ सुथरा है, तो अच्छी मूवमेंट चला रहे हैं, हम सबको उनके साथ जुड़ना चाहिए। राजनीति हमारी बिगड़ते जा रही है। आपने बहुत सारे, आपको मानने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं, आपको एडमायर करने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं, तो आप इस दिशा में क्यों नहीं सोचते कि आप राजनीति में आए और कुछ एक देश की दिशा और दशा? देखो, राजनीति में मैं अगर आऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? एक एमपी बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मिनिस्टर बनूंगा तो मैं मिनिस्टर आज़ाद तो नहीं होऊंगा ना। मेरा जो भी मेरा लीडर होगा मुझे उसके मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा ना। आज मैं टेररिज्म के ऊपर खुल के आवाज़ उठाता हूँ, गलत है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर तो मेरी आवाज़ दब जाएगी ना। मैंने ये सारी चीज़ें करके निकला हूँ। मैंने पंजाब में अमन शांति करके टेररिज्म के खिलाफ, उस वक्त लीडर अच्छे होते थे, सहयोग होता था, प्राइम मिनिस्टर बड़े मजबूत थे, नरसिम्हा राव जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बड़े मजबूत थे, खुली आज़ादी होती थी टेररिज्म के खिलाफ, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए। आज आज़ादी नहीं है, मैं गुम हो जाऊंगा वहाँ, मेरी आवाज़ दब जाएगी, मेरी बोनस की ज़िंदगी। आज नहीं तो मैंने कल जाना है, कब जाना है मुझे मालूम नहीं। मौत कैसे आएगी, बम्बों से, गोलियों से कैसे आएगी मुझे मालूम नहीं। मैं ये इच्छा मेरी जो है ना, मेरी शुरू से नहीं रही कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूं, मिनिस्टर बनूं, चीफ मिनिस्टर बनूं, मेरी इच्छा नहीं है। बड़े लोग हैं बनने वाले, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं कहता हूं राजनीति में बड़े अच्छे लोग हैं काम करने वाले, वो अपना काम करें, और मैं अपना जो एक पूरे देश में युवाओं में, स्टूडेंट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जाके जो मेरा ज़िंदगी का एक राजनीति का अनुभव है, राजनीति का अनुभव होना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राजनीति में जो भी लोग हैं उनको पता है कि हम है क्या, हम राजनीति में आते कौन हैं, क्यों हैं, हम राष्ट्र के लिए आते हैं या वोट सत्ता के लिए आते हैं, पर वो बताते नहीं हैं। मुझे इस चीज़ का गर्व है सबसे बड़ा कि मैंने राजनीति में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक छोटा सा बच्चा था, आज तक मैंने राजनीति को रिसर्च कर लिया कि राजनीति का मकसद क्या है। राष्ट्र है, वोट है, सत्ता है, कुर्सी है, हम वोट की खातिर दंगे भी करा देते हैं, हम वोट की खातिर टेररिज्म भी फैला देते हैं, हम वोट की खातिर पॉलिटिकल टेररिज्म भी फैला देते हैं, हम वोट की खातिर इस मुल्क को राजनीति का गुलाम भी बना देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, मैं अपना जो अनुभव है वो अनुभव मैं समाज को, अगर जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, कल को तो देखो ज़िंदगी का पता नहीं, मैं कितनी ज़िंदगी, मुझे पता नहीं है, तो मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि आज राजनीति किस तरीके की थी, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जी की राजनीति किस तरीके की थी, आज़ादी की राजनीति किस तरीके की थी। तो वो मेरा अनुभव जो है मैं नई जनरेशन को देना चाहता हूँ। तो ज़िंदगी का पल का पता नहीं होता, जितना भी मेरे पास वक्त है मैं उसको दूंगा, और जो मेरे जाने के बाद जो मेरी चीज़ें लिखी होंगी वो नई जनरेशन को एक नया रास्ता ज़रूर देंगी, कि जो मेरे ज़िंदगी का अनुभव है, जो मैंने जुल्म सहे हैं, पॉलिटिकल जुल्म सहे हैं, बम्बों गोलियों के जुल्म नहीं मैं सहने वाली बात कर सकता, क्योंकि वो तो मेरा एक कर्तव्य था, बम गोलियां खाना शरीर पे, राष्ट्र के लिए टेररिज्म के खिलाफ, वो तो एक मेरे लिए खेल था, मेरे लिए मज़ा था वो, क्योंकि राष्ट्र की लड़ाई थी। जो मैंने उससे अलग होकर जो राजनीतिक लोगों के अपनी ज़िंदगी में अत्याचार देखे हैं, जुल्म देखे हैं, और वो मेरी ज़िंदगी के अनुभव आने वाली जनरेशन को ज़रूर कुछ ना कुछ नया रास्ता देंगे, उनकी आंखें खोलेंगे कि हम राजनीति में क्यों आते हैं, और राजनीति में जब बड़े एक्टिव हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो हम कई बार इतने घटिया काम कर जाते हैं, इतने घटिया फैसले कर जाते हैं, इतना किसी के ऊपर जुल्म डाल जाते हैं कि वो कभी ज़िंदगी में आदमी भूल नहीं पाता। ये एक बहुत अहम सवाल है मेरा कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत सालों से चल रहा है, कश्मीर का मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कश्मीर के मुद्दे पे क्या करना चाहिए कि इसका समाधान निकल पाए? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने और बहुत सारी सरकारों ने आके इस पे कोशिश कर ली, लेकिन कश्मीर का मुद्दा जस से तस बना हुआ है, तो कश्मीर के मुद्दे के लिए क्या करना चाहिए? कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, कश्मीर तो जुदा हो नहीं सकता, खैर है, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं, बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानु, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। मुद्दा जहाँ तक है, ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान दखलंदाजी ना करे, कश्मीर मुद्दा ही नहीं,
मुद्दा तो उसको कहते कि कश्मीर देने के ऊपर को फैसला हो, कश्मीर अपना है, हिंदुस्तान का अंग है, हिंदुस्तान का रहेगा। ये कश्मीर तो भारत का शुरू से ही रहा है, भारत का अंग है, लेकिन पाकिस्तान उसको कहीं ना कहीं उस पे उसकी ऐतराजगी होती है। तो पाकिस्तान को एक मैसेज देने के लिए हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए कि उसको एक स्ट्रांग मैसेज मिले कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा? ये मैसेज है एक कि गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो रही, ये एक मैसेज है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हुई और गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है, पाकिस्तान से पूरी बातचीत चल रही है, ऐसी कोई बात बिल्कुल। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे MS मिट्टा साहब, जिन्होंने अपने बातें हमारे साथ साझा की। दोस्त